हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं थर्मोस्टैटिक एयर क्लीनर के बारे में। अब ये जो है बहुत पुराना या फिर मैं कहूँ एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम जो है अपनी कार के अंदर जो हमारा कोल्ड कार स्टार्ट होता है उसको जो है हम कम कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो एयर जो हमारा एंटर हो रहा है उसको जो है हम हीट करके जो है थोड़ा मतलब हीट नहीं मतलब थोड़ा गर्म करके जो है अपने इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू जो है भेजते हैं, जिससे जो है हमारा कोल्ड स्टार्ट जो है एकदम जो है परफेक्ट हो, जिसके अंदर ज़्यादा हमारा रिच मिक्सचर फ्यूल बढ़ना हो। या फिर जो है हमारा कोल्ड स्टार्ट के वक्त क्या होता है कि हमारा फ्यूल जो है ज़्यादा लेवल पे जो है एटमराइज नहीं हो पाता और उसकी वजह से जो है अनबर्न फ्यूल जो है बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए जो है हम थर्मोस्टैटिक एयर क्लीनर जो है अपने कार के अंदर यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये डीजल व्हीकल्स के अंदर यूज़ होता था और जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, कोल्ड टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे जो है इसको थर्मोस्टैटिक एयर क्लीनर को जो है हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसका काम जो है बहुत सिंपल है, ये इस तरीके का इसका कुछ ब्लॉक डायग्राम है। तो इसके अंदर जो वर्किंग होती है वो इस तरीके की होती है कि ये जो आपको एयर ब्लीड वॉल्व दिख रही हैं ये जो है इस स्प्रिंग के द्वारा जो है कंट्रोल होती हैं। अब ये एयर ब्लीड वॉल्व जो है वो क्या करती हैं कि जैसे ही मान लीजिए कि अब यहाँ से कोल्ड एयर अंदर आ रही है तो वो जो है क्या करता है कि हमें पता है कि जब भी हमारा इंजन स्टार्ट हो रहा होता है तो उस वक्त पे जो है क्या होता है कि हमारा इंजन जो है बहुत जल्दी मतलब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो है उसका बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो उसकी हेल्प से जो है बेसिकली ये काम करता है यहाँ पे। तो काम कैसे करता है मैं बता रहा हूँ। जैसे एयर ब्लीड वॉल्व है ये जो है बहुत ज़्यादा सेंसिंग और टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस यहाँ पे लगी हुई है और ये जो इसकी स्प्रिंग है ये क्या करती है कि जैसे यहाँ से कोल्ड एयर आ रही है तो उस वक्त पे जो है एक बार स्टार्ट होने के बाद जब कोल्ड एयर वापस बार बार आने आ रही है इसके अंदर तो क्या होता है कि ये जो इसका डायफ्राम असेंबली है, कंट्रोल डैम्पर असेंबली है, ये जो है इसको ऊपर की तरफ कर देता है जहाँ से ये पोर्शन जो है पूरा बंद हो जाता है। अब यहाँ से बंद होने के बाद क्या होता है कि जितनी भी हॉट एयर होती हैं वो जो है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू जो हॉट हो रही होती हैं वो जो है अपने अपने अंदर आ रही होती हैं। अब जैसे ही वो एक प्रॉपर टेम्परेचर पर हमारा इंजन रन करने लगता है उसके बाद वापस जो है ये बंद हो जाता है। तो अभी जो मैं आपको बताता हूँ कि पूरा मतलब बेसिकली काम कैसे करता है। तो ये हमारा इनलेट एयर है, उसके बाद ये कंट्रोल डैम्पर असेंबली है, ये हमारी डायफ्राम लगी हुई है, ये वैक्यूम मोटर है, ये एयर ब्लीड है, ये टेम्परेचर सेंसिंग स्प्रिंग है। अभी जो सब ये जो आपको दिख रहा है ये वाला डायग्राम ये जो है हमारा इंजन जब ऑफ कंडीशन के अंदर है तो है, इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें बंद है। अब जैसे ही आपने जो है अपने इंजन को शुरू किया तो उस वक्त पे क्या होता है कि आपका जो है ये है तो अंडरहुड का जो टेम्परेचर है वो बिलो 29 है। तो उस वक्त पे क्या होता है कि जैसे ही आप अपने इंजन को चालू करते हैं तो उस वक्त पे जो है ये हमारी जो वॉल्व है ये थोड़ी ये क्लोज़ होती है। क्लोज़ होने के बाद क्या होता है कि यहाँ से जो अब जो एयर जाएगी जो डायफ्राम स्प्रिंग अब ऊपर की तरफ हो गया और ये जो हमारा कंट्रोल डैम्पर असेंबली है इसको जो है हम वैक्यूम मोटर बोलते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे जो इनटेक मैनिफोल्ड का जो वैक्यूम है वो जो है इसको चालू करता है। उसके चालू होने की वजह से जो क्या हुआ ये हमारे जो डैम्पर असेंबली है वो ऊपर की तरफ हुई और यहाँ से जो हॉट एयर है वो जो है इसके अंदर आने चालू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितनी भी हमारी अब क्या होता है कि हॉट एयर जब अंदर जा रही है तो हमारा फ्यूल जो है ढंग से ऑटोमाइज होगा और उसके बाद जो है हमारा फ्यूल एंड एयर जो मिक्सचर होगा और जो बर्निंग होगी उसका जो इग्निशन होगा वो ढंग से होगा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हमारा अब एक प्रॉपर टेम्परेचर हमें सेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने ज़्यादा उसको गर्म हवा दी तो उसकी वजह से जो है हमारे प्री इग्निशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और डिटोनेशन और ये सारे अलग सारी जो प्री हाई कम्बशन फ्लेम्स है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी अपनी कार के अंदर, जिससे हमारा इंजन जो है ख़राब हो सकता है। तो अब उस पर क्या होता है कि जैसे ही अबव 53 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है हमारा टेम्परेचर उस वक्त पर क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा एयर ब्लीड वाल्व है वो जो है नीचे की तरफ आ जाता है और ये जो है इसको बंद कर देता है। अब इसको बंद करने के बाद जो है हमारी वापस से जो आउटसाइड की जो एयर है वो जो है हमारे अंदर आ रही होती है व्हीकल के। अब तीसरा जो सिनेरियो है अब इसके बीच का जो एक सिनेरियो आता है वो होता है हमारा एक पार्शियली ओपन। पार्शियली ओपन में क्या होता है कि हमारे ये जो डैम्पर असेंबली है ये भी जो है हल्का खुला रहता है और बाहर की जो आउटसाइड एयर है वो भी जो है अंदर आ रही होती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है बेसिकली जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे जो है हमारी व्हीकल्स रन करती हैं और ये जो है एक बहुत अच्छी टेक्निक
या फिर एक बहुत अच्छा तरीका है हमारी व्हीकल के अंदर जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ये जो है हमारे हर गाड़ियों में यूज़ होता है जहाँ पे हमारा हाई टेम्परेचर होता है। आप चाहे इसको कार्बोरेटर, आपका कार्बोरेटेड फ्यूल सिस्टम हो या फिर फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम हो, उसके अंदर जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हम यूज़ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर हमारा ज़्यादातर जो है हमें थर्मोस्टैटिक एयर क्लीनर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो है हमारी एयर क्लीन भी रहती है और ढंग से जो है पूरी एक टेम्परेचर के साथ हमारी इंजन के अंदर जा रही है, तो क्या होता है कि हमें प्रॉपर कम्बशन देखने को मिलता है। प्रॉपर कम्बशन जो है हमेशा जो है एग्जॉस्ट जितने भी हमारे गैसेस हैं उनको भी रिड्यूस करता है, जिससे हमारे पॉल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं, हमारे इंजन के लिए भी अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है ये थर्मोस्टैटिक एयर क्लीनर बनाया गया था। तो आशा करता हूँ आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जान सके क्या कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और उन्हें भी बोले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।